फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग्स। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ये रेसिपी तो है किड स्पेशल, मगर आप ये अपने बच्चों को भी दे सकते हो, बड़ों के लिए भी बना सकते हो, मतलब घर में जो कोई भी है आप सभी के लिए ये बना सकते हो। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। वीकेंड में तो आप इसको बनाना ही बनाना। एंड ये जो रेसिपी है ना, ये हाई प्रोटीन है, हाई कैलोरी है, तो आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे दे सकते हो, या तो फिर अगर आप शाम के टाइम पे टिफ़िन दे रहे हो ना, तब भी आप दे सकते हो, या तो फिर बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो स्कूल में भी टिफ़िन में भी आप इसको पैक करके दे सकते हो। बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है। तो मैं ना ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, मैं एकदम आपको सीधा रेसिपी की ओर ले जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ब्राउन ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लिए हैं, और मैंने लिया है थोड़ा सा आलू, ये उबला हुआ आलू है, और थोड़ा सा पनीर के क्यूब्स। ये है अमूल का चीज़, अमूल का बटर, थोड़ा सा प्याज कटे हुए, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये है पिज्ज़ा मिक्स, और ये है ऑरिगैनो फॉर फ्लेवर। तो सबसे पहले मैं जो मसाला है उसको प्रिपेयर कर लूँगी। इसके लिए मैंने जो आलू लिया था उसके साथ ही मैं पनीर को अच्छे से मैश कर दूँगी। मैश जो है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, नहीं तो जो सैंडविच है वो जब आप खाएंगे आपके मुंह में आ जाएंगे, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने अच्छे से पनीर एंड आलू को अच्छे से मैंने मैश कर दिया है। इसके ऊपर अभी मैं डाल रही हूँ प्याज के पीसेस, इसको मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मैंने नमक डाल दिया है, और अभी मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डालिए, और सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी मैं एक स्लाइस ब्रेड का लेके उसके ऊपर ये जो मसाला मैंने बनाया है इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। मैंने स्प्रेड कर दिया है, इसके ऊपर अभी मैं डालूंगी चीज़। चीज़ बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और उनको ऐसे ही खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने चारों ओर चीज़ को स्प्रेड कर दिया है। इसके ऊपर अभी मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा मिक्स एंड ऑरिगैनो, ये दोनों ही फ्लेवर के लिए है। अगर आप डालते हो तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और अगर आपके पास नहीं है तो ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हो। तो मैंने दोनों को ही डाल दिया है। अभी मैं ऊपर से और एक स्लाइसेस जो है उसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी। अभी मैं इसके ऊपर एक साइड में अच्छे से बटर लगा दूंगी। मैं एक ही साइड पे अभी लगाऊंगी, और जो दूसरा साइड है उसको मैं जब पैन में डालूंगी तब मैं लगाऊंगी, क्योंकि अभी लगाती हूँ तो चारों ओर बटर फैल जाता है। इसको मैंने लगा दिया है। अभी मैंने एक पैन ले लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और इसके ऊपर मैं ब्रेड के जिस तरह जिस साइड में बटर लगा हुआ है उस साइड को प्लेस कर दूंगी, और दूसरे साइड में अच्छे से बटर का एक कोट लगा दूंगी। लगा दिया है मैंने। अभी 5 से 6 मिनट आप इधर उधर करके ब्रेड को अच्छा गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक पका लेना। आपके पास अगर टोस्टर है तो बहुत अच्छा है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने तवे पे इसको बना के दिखाया है। देखिए दोनों साइड से ही ये एकदम पक चुके हैं। अभी मैं इसको गैस से मैंने उतार लिया है, अभी मैं इसको बीच में से अच्छे से कट कर लूँगी। आप राउंड शेप में भी कट कर सकते हो, आपका जो मर्जी है वो कर सकते हो, और साइड का जो कॉर्नर्स है उसको आप निकाल भी सकते हो, पर मैंने रख दिया है। देखिए ऊपर से ये एकदम क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। मेरा ये पनीर एंड पोटैटो सैंडविच इज रेडी टू सर्व। कैसा लगा रेसिपी आप लोगों को? बहुत ही क्विक है ना, और उतना ज़्यादा टेस्टी भी है।
इस वीकेंड प्लीज़ घर पे बनाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा सबको। मेरा तो गारंटी है कि सबको बहुत अच्छा लगेगा, फिर भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और वो जो दो बॉटल मैंने दिखाया ओरिगैनो एंड पिज्ज़ा मिक्स, वो दोनों ही मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, अगर नहीं भी दोगे तब भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ज़रूर उसको बनाना, मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, गुड नाइट, अगले दिन मिलते हैं और एक न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा।